नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एयरटेल एमएनपी 399 के कमीशन के बारे में और दोस्तों साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि उसकी टर्म और कंडीशन क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप YouTube चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले और यदि आपने अभी तक हमें Facebook पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर लाइक और फॉलो कर दीजिए और इसी प्रकार का वीडियो का आनंद आप वहां पर भी ले सकते हैं। और यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप फेसबुक पेज पर भी हमसे मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं, हम आपकी वहां से भी पूरी मदद जरूर करेंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि तीनों कंपनियां एयरटेल, आइडिया और यहां पर जो है जियो, तो तीनों कंपनियों का एयरटेल एमएनपी 399 का जो क्रेज जो है काफी ज्यादा चल रहा है। तो गाइस यहां वीआई में भी काफी ज्यादा एमएनपी हो रही है, जियो में भी और एयरटेल में भी। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एयरटेल का कमीशन जो है इन दोनों कंपनियों से बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो गाइस उसकी कुछ टर्म और कंडीशन भी है, उसको मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। यदि आप दोस्तों किसी भी कस्टमर का सिम एयरटेल में पोर्ट करते हैं, वो पोर्ट करते समय गाइस यदि आप 399 की एमएनपी एफआरसी करते हैं या आप वहां पर स्किप भी कर सकते हैं, आप एफआरसी बाद में भी डाल सकते हैं। तो गाइस यहां पर जो है एयरटेल कंपनी की तरफ से 425 रुपए का कमीशन दिया जा रहा है हर रिटेलर को। और गाइस साथ के साथ ये भी बता दूं कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर रिटेलर को 336 रुपए, तो गाइस यहां पर 380 रुपए या 385 रुपए के करीबन कमीशन दिया जा रहा है। और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि इसकी टर्म और कंडीशन क्या रखी है। गाइस यहां पर जो है एयरटेल कंपनी की तरफ से कुछ रूल्स आए हैं, यदि आप महीने में एक एमएनपी करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो आपको 350 रुपए का कमीशन दिया जाएगा एयरटेल कंपनी की तरफ से। और गाइस यहां पर जो है यदि आप 425 रुपए का कमीशन लेना चाहते हैं तो गाइस यहां पर आपको दो या दो से अधिक एमएनपी करनी होंगी एक महीने के अंदर अंदर, तभी आपको 425 रुपए का कमीशन दिया जाएगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कमीशन आपको कब मिलता है। तो दोस्तों मान लीजिए आज आपकी एमएनपी हो गई है कस्टमर की चालू और आज 59059 कंप्लीट हो चुका है और आपने आज एफआरसी कर दी है, तो दोस्तों आपको तीसरे या चौथे दिन आपको 425 रुपए के हिसाब से कंपनी की तरफ से कमीशन दे दिया जाएगा। तो गाइस और साथ के साथ ये भी बता दूं यदि आप महीने में एक एमएनपी करते हैं तो आपको 350 रुपए का कमीशन जो है आपको एयरटेल कंपनी की तरफ से मिल जाता है। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि एयरटेल से ज्यादा कमीशन फिलहाल कोई नहीं दे रहा है, और यदि आप एयरटेल में ज्यादा से ज्यादा एमएनपी करते हैं तो यहां पर दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन पा सकते हैं एयरटेल कंपनी द्वारा। जैसे कि आप सभी को पता है यहां पर जियो का भी एमएनपी जो कमीशन है वो भी घट गया है और वीआई का भी यहाँ पर जो कमीशन है एयरटेल से नीचे है। तो दोस्तों यदि आप जो है, और साथ के साथ ये भी बता देता हूं कि जैसे कि कुछ रिटेल भाई ऐसे हैं जिनको 336 रुपए का या 380 या 385 रुपए का कमीशन क्यों मिल रहा है, तो गाइस यहाँ पर जो उन रिटेलरों को ये 425 रुपए का कमीशन उन्हीं रिटेलरों को मिला है जो टारगेट में शामिल किए जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ के साथ ये भी बताना कि आप एयरटेल में एमएनपी कर रहे हैं तो आपको कितना कमीशन दिया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो है थोड़ा सा नियम दिया गया है, यदि आप एक करेंगे तो 350, यदि आप एक से यदि आप दो एमएनपी कर देते हैं एक महीने में तो गाइस यहाँ पे जो आपको 425 रुपए का कमीशन देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे जो है अब जो है इसका डेट जो है पता चलेगा एक जून से पता चलेगा कि इसका डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों यदि बढ़ेगा तो मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाऊंगा और आपको सूचित कर दूंगा कि उस टाइम पे एयरटेल कंपनी कितना कमीशन दे रही है सभी रिटेलर भाइयों को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यदि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमएनपी करनी होगी और आप जो है आसानी से महीने की एक सैलरी की तरह ही एमएनपी करके कमीशन कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि गाइस हम जो है रिटेलर संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। यदि आप एक रिटेलर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।